प्रणालियों को नए रूप। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स एलईडी कनेक्शन के बारे में। दोस्तों फिक्स एलईडी कनेक्शन तीन प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा सबसे पहले कनेक्शन होता है एच टाइप, उसके बाद जेड टाइप, उसके बाद पैनल। दोस्तों सबसे पहले हम एच टाइप कनेक्शन आपको करके बताते हैं, तो उसके बाद जेड टाइप बताएंगे, तो उसके बाद पैनल बताएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि फिक्स से पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले हम कोई सा भी कनेक्शन करें उसके लिए हमको दो वायर की आवश्यकता पड़ती है पावर के लिए, और डाटा के लिए तो हमको पड़ती है मेन होती है पहले पावर के लिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे वीडियो में कि मैंने वायर में लाल कलर की यूज की है और पीली, आप चाहें तो लाल और वाइट यूज कर सकते हैं। इसमें पावर के लिए आपको 2.5 mm की वायर यूज करना है, 2.5 mm में आपका पावर कहीं कम नहीं पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर दो वायर डाली हैं, दो वायर डालने के बाद हमने फिक्सल झालर को लगाया है। दोस्तों फिक्सल झालर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसमें आप देख रहे होंगे कि प्लस रेड कलर का वायर है हमारा और ग्रीन डाटा है और वाइट नेगेटिव है। दोस्तों फिक्सल झालर के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको यहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे इसके साथ ये पावर का एक्स्ट्रा आता है अलग से, जो कि हम इस वायर में जोड़ेंगे, जो हमने इसमें पावर की डोरी निकाली है इसमें हम ये वायर जोड़ेंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमने एच टाइप में 25 एलईडी व 10 लाइन का कनेक्शन किया है, आप चाहें तो इसमें 10 एलईडी वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों 50 का भी कर सकते हैं, 100 का भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम इसके लिए इस कनेक्शन के लिए हम आपको P1000 कंट्रोलर से बता रहे हैं, आप चाहें तो इसमें IC कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। दोस्तों और आपको अगर ये कंट्रोलर परचेज करना होगा तो आपको ये हमारे पास से मिल जाएगा। दोस्तों और बाकी सारा सामान फिक्सल से रिलेटेड मिल जाएगा। दोस्तों फिक्सल यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों हमारा, आप देख रहे होंगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ये हमारा पॉइंट पहला, तो आप देख रहे होंगे 25 एलईडी का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो 25 एलईडी के प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको खोलेंगे तो यहाँ से 25 तो हमारा यहाँ तक हो गया, इसके बाद 25 ये हमारा शेष हो गया, तो ये हमारी पूरी झालर खत्म यहाँ पर हो गई। दोस्तों इसके बाद हम इसको दूसरी झालर को यहाँ पर जोड़ेंगे इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से, ये वाला हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा पहला है, यहाँ से स्टार्टिंग होगा दोस्तों और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको ऐसा कनेक्ट करेंगे, तो हम ऐसा ही इसको आगे जोड़ते चले जाएंगे दोस्तों, ऐसा ही हम इसको यहाँ पर आगे जोड़ते चले जाएंगे जब तक हमारा एंड नहीं आएगा। इसके बाद हमको क्या करना है कि हमारे दो वायर हैं, आप देख रहे होंगे कि ये हमारे दो वायर हैं प्लस रेड और नेगेटिव, तो ये हमको इन दोनों वायर में जोड़नी है। इन दोनों वायर में जोड़ने के बाद ये दो हमारे वायर निकलते हैं, इसको हमको पावर सप्लाई में लगाना पड़ता है। आप देख रहे होंगे कि भी पॉजिटिव और भी नेगेटिव, तो जो हमने दो वायर डाली थी प्लस और नेगेटिव, तो आपको ये प्लस में लगाना है रेड कलर की और वाइट कलर की आपको ग्रीन में लगाना है, ठीक है दोस्तों। और पावर सप्लाई की एसी देने के लिए आपको एनएल में लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर का डाटा किया गया है, तो ये हमारे 1000 में लगा है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर का डाटा में लगता है, जो हमारा डाटा लिखा है ना यहाँ पर लगता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें डाटा क्यों नहीं गया, तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये इसमें जॉन्डे, इसी में से डाटा चला गया, यहाँ से हमारा ऐसा गया डाटा, फिर यहाँ पर आ गया दोस्तों, ये हमारा डाटा आ गया दोस्तों, ये डाटा हमारा ऐसा जाता रहेगा। आप इसमें हॉरिजॉन्टल भी कनेक्शन कर सकते हैं, मैंने इसको वर्टिकली किया है, मैंने इसको वर्टिकल किया है, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी किया कर सकते हैं। दोस्तों एच टाइप कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इसके बाद आपको जेड टाइप कनेक्शन बताएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा एच टाइप कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम जेड टाइप कनेक्शन पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसी में भी वैसी ही प्रोसेस किया है जो कि हमने एच टाइप में किया था, कि सबसे पहले हमने दो वायर ली, दो वायर अपने जो होती है ना प्लस, प्लस के लिए हमने रेड ली और नेगेटिव के लिए हमने
येलो ले, आप चाहे तो इसमें वाइट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जेट कनेक्शन ज़्यादातर हमारा टोरन के लिए यूज होता है, आप चाहे तो इसे बिल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आपका ये टोरन के लिए बेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमने फिक्सल झालर कुछ ऐसा लगा के रखा है दोस्तों, जेट कनेक्शन के लिए हमको ऐसा लगाना पड़ता है जैसा हम टोरन बनाते हैं, कि हमने फिक्सल झालर में अलग से डोरी लगा के रखी है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि फिक्सल झालर जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसा कि हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम जैसे 10x10 का टोरन बना रहे हैं दोस्तों, जैसा कि ये हमारा 10x10 का टोरन बन रहा है, 10x10 का टोरन बनना है, तो इसको हम गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से काट देंगे दोस्तों, यहाँ से काट देंगे। यहाँ से काटने के बाद हमको, यहाँ से काटने के बाद डोरी लगाना है, डाटा, डाटा लगाने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, जैसा कि ये हमारी पहली 10 LED की पहली लाइन लगे, इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये डाटा का गया है, तो ये हमारा ऐसा गया दोस्तों, पहली 10 लाइन होने के बाद जो हमारी ये वायर है एक्स्ट्रा, ये हमारी दूसरी झालर में लग जाती है दोस्तों, दूसरी झालर में लग जाती है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि डाटा हमने ऐसा इसमें दूसरी झालर, पहली झालर ये हमारी है, तो दूसरी झालर ये है, तो ये हमारी दूसरी झालर में लग जाती है, तो एक झालर का डाटा इस झालर में पहुंच जाता है दोस्तों, इसके बाद एक झालर का डाटा इस झालर में पहुंच जाता है। जैसा कि हमको 10x10 का टोन बनाना है, तो 10 ये हमको 10-10 करके काटने पड़ेंगे, इसके बाद सभी में हमको ये वायर लगाने पड़ेगी, इसके बाद पहली झालर का डाटा दूसरी झालर हमको देना पड़ेगा दोस्तों, फिर इसके बाद तीसरे में, फिर इसके बाद चौथे में, इसी तरह हमारा एक जेट कनेक्शन बन जाएगा दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है कि दो तार आपने पहले ही डाल ली, इसके बाद यहाँ पर इसको पावर सप्लाई लगाना है, पावर सप्लाई में डाटा के जगह आप देख रहे हैं कि प्लस और माइनस, ये हमारा प्लस पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर आपको पावर लगाना है दोस्तों। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम इसमें भी T1000 कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो IC कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं उसको। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा ये हो गया दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारा दो कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद सबसे अच्छा कनेक्शन ये हमारा पैरेलल होता है दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कि आपको एच टाइप और जेड टाइप में आएगी दोस्तों, ये पैरेलल कनेक्शन सबसे सरल और सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया होता है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि हमने सबसे पहले इसमें 3 वायर हमको डालने पड़ेंगे दोस्तों, उसमें हमको 2 डालनी पड़ती थी, इसमें 3 डालनी पड़ेंगी दोस्तों। आप देख रहे हैं कि पहला हमने जो डाला है रेड कलर का वायर पॉजिटिव, दूसरा डाला है हमने ग्रीन वो येलो कलर का वायर नेगेटिव, और तीसरा डाला है हमने ग्रीन डाटा दोस्तों। इसमें 3 वायर हमको मेन डालनी पड़ते हैं, आप देख रहे होंगे कि हमने 3 वायर इसमें डाली है दोस्तों। इसके बाद हमको कनेक्शन करने के लिए आपको फिक्सल का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, तो इसको डायरेक्ट सीधी डालना है हमको, यहाँ पर डालने के बाद हमको ये काटना पड़ेगा, उसमें नहीं काटना पड़ेगा, इसमें काटना पड़ेगा, ये हमारा कट जाएगा दोस्तों। इसमें कटने के बाद जो हमारा प्लस है, तो प्लस हमारा इसमें जुड़ जाएगा, जो हमारा डाटा है, जो हमारा इस ग्रीन में जुड़ जाएगा, और दोस्तों जो हमारा वाइट कलर का पॉइंट है, जो हमारा इसमें जुड़ जाएगा, ऐसा ही जो हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा दोस्तों। जैसा आप देख रहे होंगे कि हमने जो झालर लगाई जो इसमें, तो वो ऐसा नीचे जाता रहेगा दोस्तों। आप चाहें तो इसमें 100 का भी प्रोग्रामिंग करा सकते हैं और 50 का भी प्रोग्रामिंग करा सकते हैं दोस्तों। इसमें हम इसके बाद सब होने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें जोड़ा है, एक झालर हमारी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 9-10 झालर यूज कर रहे हैं दोस्तों हम इसमें। अब 10 झालर डालने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट में हमने इसको ऐसा काट लिया है दोस्तों,
आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर काटना है, अभी हम इसको काट नहीं रहे हैं, आप इसको यहाँ पर काटना है जब ये आपके कनेक्शन होंगे, या फिर आप इसको यहाँ पर ये कनेक्टर आता है आप उसको भी लगाकर लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि हमारा ये होने के बाद, पहली प्रोसेस होने के बाद दूसरी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डाटा है, डाटा जो हमारा T1 कंट्रोलर इसमें लगा देना है। इसके बाद जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमको पावर सप्लाई में लगा देना है, और जो नेगेटिव है जो नेगेटिव लगा देना। उसके बाद आपको मेन चीज क्या करना है, आपको मैं पूरा कनेक्शन आप बताता हूँ कि जो अपना कनेक्शन है, तो जो अपना पॉजिटिव आप देख रहे होंगे कि हमारे कंट्रोलर में 3 बटन ऊपर दिए हैं, तो इसमें 5 वोल्ट लिखा है जिसमें, तो वहाँ पर आपको प्लस का देना है पावर, जो ग्राउंड लिखा है उसमें नेगेटिव देना है, जो कि आप पावर सप्लाई से यहाँ से देंगे तभी आपका कनेक्शन चलेगा दोस्तों, क्योंकि आप जब तक कंट्रोलर में पावर नहीं देंगे तब तक आपका कंट्रोलर काम नहीं करेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिक्सर से रिलेटेड वीडियो आपको ऐसी मिलती रहें।